तो मोर्फोलॉजी में पहले हम टैप रूट देखेंगे। टैप रूट होता है डाइकोट्स के अंदर। डाइकोट्स के एग्जांपल मस्टर्ड फाइब्रस है, वो मोनोकोट के अंदर वीट है। एडवेंटिटियस है वो ग्रास बनियन ट्री मॉन्स्टर है। एंड एडवेंटिटियस इसको हम याद करेंगे, ग्रास बनियान पाके मॉन्स्टर के साथ एडवेंचर कर रहा था। टैप रूट स्टोरेज के अंदर हम कैरेट रेडिश टर्निप डालिया एंड मिराबिलिस हम याद करेंगे। और एडवेंटिटियस रूट स्टोरेज के अंदर है स्वीट पोटैटो एस्परगिलस है, ठीक है। और प्रोप रूट के अंदर हम बनियन ट्री याद करेंगे। स्टिल्ट रूट के अंदर एसएमएस से हम मेज शुगर के नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रोप रूट होता है कि ब्रांचेस है वो ऐसे गिर जाती है नीचे। न्यू मेटर फोर्स है राइजोफोरा, क्लाइंबिंग रूट है हेडरा आइवरी। स्टेम स्टोरेज के अंदर हम टर्मरिक पोटैटो जिंजर जिमिकंद एंड कोलोकेसिया हम याद करेंगे। इसको हम याद करेंगे तूने आलू जिंजर की स्टेम जमीन के अंदर कैसे रखी, ठीक है। तो फिर हम स्टेंटेंड्रिल में हम याद करेंगे, हमने एक कुंबर दिया, कुंबर के अंदर हमने एक जैसे वो पाइप होती है ना, तो पाइप को हमने टेंड्रिल बोला, तो ठीक है। उसके साथ हमने एक पंप लिया, पंप पानी और पानी लिया हमने, पानी को हम पंप की मदद से टेंड्रिल के थ्रू कुकम्बर में जब डालेंगे तो वो ग्रेप्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर हम स्टेम थोर्न्स बोगनविलिया एंड सिट्रस बीसी से हम याद कर सकते हैं। फाइलोक्लैड्स होते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ स्टेम मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल या यूफोर्बिया होता है एंड फ्लैट आर ओपनशिया, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे, ओपन फ्लैट इन सिलेंड्रिकल बिल्डिंग्स इन यूरोप, ठीक है। फिर हम क्लैडोड को याद करेंगे, ऑफ लिमिटेड ग्रोथ रस्कस एस्पेरेगस। स्टोलन को हम याद करेंगे, स्ट्रॉबेरी जैस्मिन एंड मिंट इसको हम याद करेंगे। जैस्मिन ने स्ट्रो की मदद से मतलब मिंट जूस है वो अपने दोस्त का चुरा लिया, चुराने को हम बोलेंगे स्टोलन, ठीक है। ऑफसेट देखो, स्टोलन क्या होता है, स्ट्रो से हम याद करेंगे ऐसी शेप होती है, ठीक है। वो ऊपर जाके ऐसे नीचे बैंड हो जाता है। ऑफसेट है मतलब ऑफ स्टेज में हमें पिस्ते पड़े हैं कि नहीं पते, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो हम ऑफसेट को पिस्टिया एंड अशोरनिया। और जो ऑफसेट होता है वो रोजेट होता है, रोजेट ऐसे ऐसे एक नोड पे रोजेट उग जाते हैं, ठीक है। शक्कर होते हैं बनाना पाइनएप्पल और क्राइसेंथिमम, मतलब बनाना और पाइनएप्पल के जूस के लिए वो संता है जो वो रोने लग गया सुड़ सुड़ करके, सुड़ सुड़ को हम याद करेंगे शक्कर, ठीक है। फिर हम लीफ शीट है वो कहेंगे भी सर एक शीट दे दो, है ना। तो उसको हम एक को बोलेंगे मोनोकोट और शीट को बोलेंगे शीट। देन वी हैव लीफ पल्विनस लेग्यूम्स के अंदर होते हैं, जो कि बेस है वो सवलन अप होता है, ठीक है। और जो रेटिकुलेट है वो डाइकोट को याद करेंगे रेडी। जो हमारा लीफ शीट होता है ना, तो वो होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द लीफ बेस और वो स्टेम को कवर अप कर लेता है, ठीक है। और फिर हमारे पास पैरेलल विनेशन इन मोनोकोट्स हैं। देन वी हैव पिनेटली कंपाउंड में नीम आ जाता है और पालमेटली कंपाउंड में सिलकोटन आ जाता है, ठीक है। नीम का पत्ता मतलब कान में रख लो, तो उसको ऐसे करके आप वैसे भी याद कर लोगे, ठीक है। नीम के पत्ते ऐसे होते हैं ऐसे, ये मिडरिब होती है, रेकिस बोल दो उसको, और यहाँ पे लीफलेट्स उगते हैं, ठीक है। और जो पालमेटली कंपाउंड होता है वो एक ही नोड पे काफी सारे वर्ल्स उग जाते हैं, तो सिल्क कॉटन और बॉम्बेक्स मोरी। देन वी हैव अल्टरनेट फिलोटेक्सी इन चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, इसको हम याद करेंगे। ओल आर सेइंग इन चाइना सन इज वेरी मस्त, ठीक है। ऑपोजिट गोवा में कोलेटरल डैमेज दोनों तरफ से हुआ, तो उसको हम याद करेंगे गोवा दोनों तरफ से ऑपोजिट कोलेटरल डैमेज कैलोट्रोपी। सो वर्ल्ड से हम एस्टोनिया, ऑल एल्स मतलब एल्स ऑल आर वरीड, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। लीफ टेंड्रिल्स देखो, स्टेम टेंड्रिल्स ये हम सारे याद किए थे, लीफ टेंड्रिल्स पी से लीफ स्पाइन कैक्टस के अंदर होते हैं, और जो स्टेम स्पाइन होते हैं थोन्स होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। लीफ स्टोरेज के अंदर हम अनियन गार्लिक पढ़ेंगे, और स्टेम स्टोरेज के अंदर हमने ये वाले पढ़े थे। फाइलोड ऑस्ट्रेलियन एशिया में पड़ा था, और फाइलोक्लैड और जो अपना क्लैडोड वो उधर पड़ा था। इंसेक्टिवोरस जो हमारा वो पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाइट रहता है। फाइलोड क्या होता है ना, कि जो पीटीओल्स होते हैं जिसके ऊपर लीफ लगा होता है ना, तो वो पीटीओल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ना कि ये लीफ, ठीक है। तो ये होता है। अब हम पेरियंथ होता है लिली, पेरियंथ क्या होता है मतलब कि जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो अनडिस्टिंक्टेबल होते हैं, ठीक है। एक्टिनोमोर्फिक रेडियल सिमेट्री है वो किसमें होती है, दतूरा चिल्ली मस्टर्ड, तो हम याद करेंगे दतूरा जो दत्तो है वो चिल्ली खा के मस्त एक्टिंग करती है, ठीक है। जाइगोमोर्फिक हम याद करेंगे पी बीन गुल मोहर केसिया, तो इसमें भी हम एक और चीज़ याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे वैक्स करवाने के बाद पी बी इंदर सिंह की वाइफ कैसी
कैसी, गुलमोहर कैसी है, ठीक है। तो पी बी इन जो वैक्स करवाने के बाद पी बी है ना, तो पी बी न तो ये होती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। और जो पी बी इंदर सिंह की वाइफ गुलमोहर कैसी है, तो इंदर से हम याद करेंगे इम्ब्रिकेट और गुलमोहर कैसी है, ठीक है। इम्ब्रिकेट जो एसिमेट्रिकल एस्टिवेशन होती है वो होती है अपने कान्ना में, ठीक है। हाइपोगोनस, हाइपोगोनस सुपीरियर ओवरी, तो उसमें हम याद करेंगे जो चाइना रोज मस्ट ब्रिंजल, जो चाइना में ना वो जो ब्रिंजल की सुप्रीम क्वालिटी है उसकी बड़ी हाइप है, तो वो बहुत मस्त है, ठीक है। पेरीगाइनस प्लम्पीच रोज, ये आप बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। जो एपिकाइनस है, एपिगाइनस में हम याद करेंगे जो कुकू है वो गोवा में ना सन के नीचे इंफीरियर फील करती है, तो गोवा कुकू सन एंड एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी, ठीक है। वॉल्वेट एस्टिवेशन नो ओवरलैप होती है इसमें, और ये कैलोट्रोपिस में होता है, ठीक है। जो वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी वो ऐसे वाली होती है ना जो कील वगैरह जो होते हैं ऐसे, तो वो वैक्सिलरी होती है और वो पी बीन होते हैं, ठीक है। हमने ऊपर भी पढ़ा था, एम्ब्रिकेट भी पढ़ लिया था, और ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमारे उसमें होती है चाइना कॉटन एंड लेडी फिंगर, इसको हम याद करेंगे। लेडी ने कॉटन को ना मतलब भी ट्विस्ट कर दिया है और बत्ती बना दी है, ठीक है, चाइना की लेडी ने। और एपिपेटलस, एपिपेटलस में क्या होता है कि स्टेमन एंड जो अपने पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, तो वो ब्रिंजल एग्जांपल है। और एपिफाइलस लिली, इसमें स्टेमन एंड पेरियंथ, पेरियंथ क्या होता है, कोरोला एंड कैलिक्स आर अनडिस्टिंग्विशेबल, ये दोनों फ्यूज। तो ये हमने पढ़ी लिया, एपिपेटलस ब्रिंजल एपिफाइलस लिली एंड मोनोडल्फस क्या होता है कि मोनोडल्फस जो अपने फिलामेंट्स है वो यूनाइटेड होते हैं, तो उसको मोनोडल्फस बोलते हैं। तो जब यूनाइट होके सिर्फ एक ही लोब बनाते हैं और काफ़ी सारे एंथर्स होते हैं ऊपर, तो वो मोनोडल्फस कहलाता है। और चाइना रोज इसकी एग्जांपल है। तो चाइना में जैसे एक एक जने का ही सेशन चलता है, तो उसको हम याद करेंगे मोनोडल्फस, ठीक है। डायोडल्फस पी के अंदर होता है हमारे, और 9+1 फ्यूज होता है, ठीक है। पोलियोडल्फस सिट्रस फ्रूट्स के अंदर काफ़ी सारे मतलब भी फिलामेंट्स है वो यूनाइटेड होके मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोब्स बनते हैं, ठीक है। यही एक नहीं बनता, काफ़ी डायोडल्फस में ये दो बनते, 9 एक तरफ होता है और एक छोटा सा होता है, ठीक है। फिर हम वेरिएशन इन द लेंथ इन साल्विया एंड मस्टर्ड फैबेसी के अंदर फैमिली पूरे इंडिया में तीन ही ऐसी मिली, इंडिया से तीन ही ऐसी मिली जो सन की तरफ मुंह करके खड़ी थी। तो फैमिली से फैबेसी, पूरे से पेटोनिया, इंडिया में इंडिया इंडिगोफोरा एंड से ससबानिया, तीन ट्राइफोलियम, सन सन हैम्प मुंह मुलट्ठी। सोलन एसी के अंदर हम, सोलन में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आशीष, वो आलू बैंगन की सब्जी खा के बाहर निकला और उसने बीड़ी पी जिससे उसका पेट दर्द करने लग गया। सोलन एसी आशीष अश्वगंधा आलू पोटैटो ब्रिंजल चिल्ली एंड टोमेटो, देन बीडी से टोबैको पेट से पेटोनिया एंड बेलेडोना, बैली होते हैं ना जो पेट को बैली भी बोलते थे, बेलेडोना। लिली एसी, लिली लड़की के लिप्स कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे क्योंकि वो एलोवेरा अप्लाई करती थी, तो लिली है तो लिली एसी कॉलेज से हमारा कोल्चिकम एंड लिप्स से तुलिप, ग्लो से ग्लोसिलेरिया, एलोवेरा से एलोए एंड अप्लाई से एस्पेरेगस एंड अनियन इज ऑल्सो अ लिली प्लांट, ठीक है। तो अनियन को इलियम सिपा भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम फ्रूट्स वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो जिसमें टिपिकल अकीन है, तो वो उसको मीरा बिलस मीरा बोलती है कि ड्राई फ्रूट्स किन्ने दे है, तो किन्ने से हम अकीन, ठीक है। क्रायोप्सिस कैरीमिनाटी है, उसने वीट और राइस के मुद्दे पे मजे लिए, ठीक है, तो वीट राइस मेज, ठीक है। सिप्सेला के अंदर हमारे पास सनफ्लावर सोंकस, सन ने ना मतलब जो हमारा बेटा है तो वो बेटे ने सन को सिप सिप करके पी लिया, ठीक है। और नट लीची कैशू नट वॉलनट एंड ओक समारा समारा में अलनस एंड एसर, ठीक है। फिर हमारे पास है जो निंजा तोड़ी वाला आता था ना, तो उसमें अमारा होता था, तो अमारा हमने एसर के लैपटॉप पर चलाया, ऐसे याद कर लो। लेग्यूम पोड है, तो उसमें सारे पी बीन ग्रास ग्राम एंड लेंटिल, ठीक है। फोलिक्यूल, तो इसको हम याद करेंगे कि जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन की लार है वो गिर रही है, तो गिरने को हम कहेंगे फोल, तो डॉल्फिन डॉल्फिनियम डॉल्फिनियम लार्क्सपर एंड फोल। सिक्यूला मस्टर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेपलम होता है, ठीक है। सेप्सेल कैप्सूल देखो, हम एक लेडी है, लेडी के हाथ में एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर उसने कॉटन रखी, कॉटन के ऊपर उसने दतूरा रखा, दतूरा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट होता है कि शिव जी भगवान का, ठीक है, तो फॉर लॉर्ड शिवा। तो इससे हम ये सारी कहानी याद करेंगे और पोपी प्लांट भी याद करेंगे। क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प के अंदर जो हमारे सौंफ वगैरह होती है, तो फेनल हो गया, कोरिएंडर एंड क्यूमिन। लोमेंटम टर्निप रेडिश ग्राउंड नट वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड अकेशिया मिमोसा, ठीक है।
सुपीरियर ओवरी के अंदर ग्रेप ब्रिंजल, जो ग्रेप और ब्रिंजल है वो, जो ब्रिंजल और टोमेटो है वो डेट पे ग्रेप्स खा रहे थे, ठीक है। इन्फीरियर ओवरी गुआवा एंड पार्थिनोकार्पिक बनाना। जो पेपो है, पेपो के अंदर हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेपो जो खीरा होता है ना, तो कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। हस्पेरिडियम, हस्पेरिडियम में जो एक्स बना लो काफ़ी सारे, तो वो सिट्रस एंड ऑरेंज लेमन याद कर लेना। बेलोस्टा पोमेग्रेनेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ड्रूप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम याद करेंगे। धूप, धूप में मैंगो शेक पीना है ना। तो प्लम, पी, चेरी, जीजी फस, कोकोनट, कोकोनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मीजोकार्प एडिबल होता है। एलमंड एंड ट्रैपा, ठीक है। मैंगो में भी मीजोकार्प होता है और जो कोकोनट होता है उसका मीजोकार्प इज़ फाइब्रस। पोम, पोम के अंदर जो हम करेंगे पम्मी, पम्मी किसी लेडी का नाम है, तो पम्मी मेरे को एप्पल और नाशपति दे दे, तो हम एप्पल पियर याद कर लेंगे। एग्रीगेट के अंदर हमारे पास है, अगर तो अकीन्स का अटेरियो है तो एग्रीगेट है, तो उसको लोटस स्ट्रॉबेरी, और अगर बेरीज का एग्रीगेट है तो कस्टर्ड एप्पल, अगर ड्रूप का एग्रीगेट है तो रास्पबेरी, ठीक है। और फिर हमारे पास है आखिरी में सोरोसिस, सोरोसिस में पाइन एप्पल, जैक फ्रूट एंड ये छोड़ो बना, एक ये रह गया था रनर्स के अंदर लोन ग्रास एंड ऑक्सैलिस होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है फैमिलीज, इसमें हम FSL लिख लेंगे फर्स्ट सेकंड लास्ट, तो उसके बाद यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, फिर हम फर्स्ट है तो रेस में, फर्स्ट है तो रेस मोस्ट, ठीक है। तो और इसके अंदर ये लेग्यूम प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये पी प्लांट है, ये याद रख लेना, पी प्लांट है तो उसके अंदर लेग्यूम्स तो होंगी, तो उसके अंदर नोड्यूल्स भी होंगे। तो वो डायडल्फस ही होता है, 9+1 अपने याद किया था। जाइगोमोर्फिक है, जाइगोमोर्फिक कला ये दोनों एक्टिनोमोर्फिक हैं। बायलोकुलर हो गया पेंटामीरस, हम इसके एस से हम याद करेंगे कि ये 5-5 बना रहा है, तो पेंटामीरस हो गया है। एल से आप लिली याद कर लो, लिली में आपकी खासियत होती है कि जो 3-3-3-3-3 होता है, ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। अब जो जो अपने सोलेनेसी और लिलियसी में जो कॉमन चीज़ें हैं वो है एक्सटिपुलेट है, सिनकार्पस है, कैप्सूल बेरी, एक्जाइल, एक्जाइल एंड सोलिटेरी है ना, एक्जाइल प्लेसेंटेशन जो ऐसे एक्स करके होते हैं ना, तो उसमें तो सोलिटेरी हो गया, साइमोस, एंडोस्पर्मस है, ये याद रखना है, कल्ला ये वाला नॉन एंडोस्पर्मस होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक्टिनोमोर्फिक हो गया, मैंने बताया था एपिपेटलस होता है, एपिपेटलस की ऐसे ये कंबाइंड होते हैं, ठीक है। फिर जो अपना तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो है कि बाइसेक्सुअल है, सुपीरियर ओवरी है, वोल्वर टेस्टिवेशन एंड अल्टरनेट फिलोटेक्सी है। जो फर्स्ट जो फेबेसी और सोलेनेसिस में कॉमन चीज़ है वो है पिनेटली कंपाउंड एंड गैमोसेप्लस। तो उसके बाद अपन गैमोसेप्लस मतलब कि ये जो उसके सेपल्स हैं वो फ्यूज होते हैं। जो ये चीज़ आप देख रहे हैं इसमें लिली में आपने याद रखा है ट्राइलोकुलर टेपल्स, ट्राइमेरस, पैरेलल एस्टिवेशन, पैरेलल विनेशन होती है अंडरग्राउंड पार्शली, ठीक है। और इसके बाद अपने ये तो पहले लिख ही लेना है। फिर जाइगोमोर्फिक मैंने आपको बताया था, ये एक्टिनोमोर्फिक हो गया। फिर आपने लिख लेना कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसमें आपने यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, सुपीरियर ओवरी तीनों में, ठीक है। तो एंड्रोशियम का आपने डायडल्फस लिख लेना और इसका पेंटामिरस लिख लेना, और 3+3 आपने इसका लिलियसी का लिख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पेरियंथ है, ये टेपल्स होते हैं, तो 3+3 फ्यूज्ड, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो इसका कोरोला है वो 1+2+2 का फ्यूज होता है, ठीक है। और इधर 5-5 और ये दोनों फ्यूज्ड हैं। तो ये आपका ये सारा फैमिली वाला टॉपिक हो गया। एक ये चीज़ याद रखनी है, पेराइटल, परिनीति, अर्जुन, मस्ती, जादे, इसमें मस्टर्ड एंड आर्जिमोन होते हैं। फ्री सेंट्रल में हम याद करेंगे PDF, जिसमें प्राइमरोज एंड आइएंथस आ जाएंगे। एक्साइल के अंदर सिट्रस फ्रूट्स आ जाएंगे, एक्स से हम एक्स से याद कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपने नींबू देखा होगा तो उसमें काफ़ी सारे डिविजन्स होती हैं ना, बेसल, बेस, सन, मून, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, एंड देन वी हैव मार्जिनल, मार्जिनल MK, मार्जिनल एंड M4 मटर। डिफरेंस बिटवीन ब्रैक्ट्स एंड स्टिप्यूल्स, ब्रैक्ट्स है वो रिड्यूस्ड लीफ होते हैं, स्टिप्यूल्स है वो लीफ लाइक ही होते हैं, ब्रैक्ट्स है वो एट द बेस ऑफ द पेडिसल, स्टिप्यूल्स एट द बेस ऑफ द पीटियोल, लीव्स ऑफ द फ्लावर ग्रो एक्रोपीटली, मतलब कि जो बेस से ऊपर की तरफ जाएंगे फ्लावर्स है जो। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी, एंड द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल एंड द पेटल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, इंटर नोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड,
शूट टिप है वो फ्लावर विच इज़ अ सोलिटरी, तो उसमें शूट टिप है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। आर फॉर रनर एंड आर फॉर रूट्स एट द नोड्स, एस फॉर स्टोलन एंड एस फॉर स्ट्रो, स्ट्रो की तरह दिखता है ना, तो ऑफ सेट रोजेट लीव्स रूट्स, ऊपर जाके एयर को सक किया तो मतलब पहले वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ओब्लीकली अपवर्ड्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, ओब्लीकली अपवर्ड, ये तीनों लेटरल ब्रांचेज हैं, ठीक है। स्टोलन ऑफ सेट सक्कर, रूट हेयर्स होते हैं वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाए जाते हैं, याद रखना है। एपिडर्मल सेल्स होते हैं थ्रेड लाइक एंड डेलिकेट, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन होता है, और मेन फंक्शंस के हैं एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रॉपर एनकरेज हो गया, एक तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी याद रखना है, एंड स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल। वी हैव फिनिश्ड अवर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स।